मैं डॉक्टर अनूप दावानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में अपने दिन का आगाज़ जो है पहले थंब इम्प्रेशन से करता हूँ। मैं अपना टाइम इन करता हूँ, उसके बाद मैं एमरजेंसी से अपना राउंड शुरू करता हूँ। आ जाए तो हम एमरजेंसी में चलते हैं। एमरजेंसी के बाद हम बिलिंग एंड एडमिशन डिपार्टमेंट चलेंगे, वहाँ पे देखते हैं कि क्या सूरत आ रही है। अभी हमने एडमिशन एंड बिलिंग डिपार्टमेंट का राउंड किया, वहाँ पे देखे कि कल कितने एडमिशन्स हुए, किसके अंडर में एडमिशन हुए और कौन कौन से पेशेंट की आज सर्जरी प्लान्ड है। इसके बाद हम चलेंगे जीआई सूट में, यानी गैस्ट्रो एंडोस्कोपी सूट में, जहाँ पे हम चल के देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ पे आज कितने पेशेंट प्लान हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एंडोस्कोपी सूट है जहाँ पे एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स है, कोलोनोस्कोपी है, ब्रोंकोस्कोपी है, ERCP है और दूसरे प्रोसीजर होते हैं। आइए हम चलते हैं। लेबॉरेटरी चलते हैं, क्लिनिकल लेबॉरेटरी, वहाँ की हालत देखने की क्या सूरत हाल है। अब हम यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी में आ गए हैं और इसके जो मुख्तलिफ सेशंस हैं MRI, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको, CT स्कैन, उसमें हम राउंड करेंगे। अब हमारा जो है ग्राउंड फ्लोर का राउंड कंप्लीट हो गया। अभी मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा जहां पे एक मेरी मीटिंग है फॉर्म्स कंट्रोल कमेटी की, उसके बाद हम आपको फिर ज्वाइन करेंगे फर्स्ट फ्लोर से। आज भी हसब मामूल मैंने अपना जो दिन है वो ग्राउंड फ्लोर राउंड से शुरू किया, जिसमें पहले में हम एमरजेंसी रूम में गए, वहाँ पे मैं डॉक्टरों से जो भी डॉक्टर उनसे मैं मिला, उनसे पूछा, लास्ट नाइट की रिपोर्ट मैंने वहाँ पे ली कि कोई इशू या किसी पेशेंट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। उसके बाद हम जो ग्राउंड फ्लोर पे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी सूट है, एडमिशन एंड बिलिंग डिपार्टमेंट है, लेबॉरेटरी है, रेडियोलॉजी में मैं हर जगह पर विज़िट किया। जो वहाँ के मैनेजर्स हैं और जो वहाँ के जो ड्यूटी मैनेजर से उनसे सबसे मालूम किया कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम या कोई इशू है तो आप मुझे बता दें। प्रॉब्लम्स उन्होंने बताए, उसको सॉल्व किया, उनको हल उनको बताया गया। उसके बाद सारा राउंड कंप्लीट करने के बाद मेरी एक मीटिंग थी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में, जहाँ पे एक फार्म्स कंट्रोल कमेटी है हॉस्पिटल बेस्ड, जिसमें जितने भी हॉस्पिटल के अंदर फार्म्स यूज़ होते हैं उसके बारे में उसको रीऑर्गेनाइज करना होता है, उसमें कोई अमेंडमेंट्स होती हैं, अमेंडमेंट के उसको नए फॉर्मेट के तौर पे हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। यूनिवर्सिटी से मीटिंग ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ अपने ऑफिस में आया। ऑफिस में आने के बाद मेरे जो हेड हैं CEO मिसेस सबीना खालिद, उनके साथ में आया, उसको कल की रिपोर्ट मैंने सारी बताई और जो आज के जो राउंड पे अगर कोई इश्यूज हैं उससे मैंने शेयर किया और इसके लिए फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह उनके पास लेने के बाद मैं अपने ऑफिस में आके बैठा। ऑफिस में जो मेरे रूटीन वर्क्स हैं, जो पेपर्स हैं, जो कल के पेंडिंग इश्यूज थे, उनमें से कुछ कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, उसको मैंने साइन आउट किया। साइन आउट करने के बाद मैंने रूटीन की जो ईमेल्स हैं वो चेक की,
उनमें से कुछ ईमेल ऐसे नहीं जो मैंने पढ़ के उसको इग्नोर कर दिया, और कुछ ईमेल ऐसे हैं जिसको मैंने रिप्लाई करना था उसको मैंने रिप्लाई कर दिया। इसके बाद हम बस फ्लोर का जो राउंड है वो हम उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, या उसमें से अगर किसी डिपार्टमेंट को मुझे रेफर करने होते उस रिलेटेड डिपार्टमेंट के मैनेजर को वो मैं रेफर कर देता हूँ। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है जहाँ पे 180 बेड है। हमारे पास मुल्क के हर कोने से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स आते हैं जिनका इलाज जो मुल्क के क्वालिफाइड और नामवर कंसल्टेंट उसके ज़ेर निगरानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किया जाता है। अब हम फोर्थ फ्लोर पे चलेंगे जहाँ पे वार्ड ई और वार्ड डी का राउंड करेंगे। जैसा कि आज हमने पूरे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के लेफ्टिनेंट का राउंड किया जो कि मेरी रूटीन्स हैं, जो सुबह से मैं आता हूँ तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर फोर्थ फ्लोर तक मैं हर डिपार्टमेंट में हर पेशेंट वार्ड में जाके विज़िट करता हूँ, और उसकी जो पूरी कंप्लीट मैनेजमेंट फाइल है ट्रीटमेंट कंसल्टेंट के व्यूज़ और जो दूसरे ड्यूटी डॉक्टर उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको मैं चेक करता हूँ। उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट उनके भी मैं विज़िट करता हूँ। इसके साथ ही आज मेरा दिन यहाँ पे पूरा होता है। खुदा हाफिज़।